मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में फिल्म आदिपुरुष को लेकर के श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने पैराडाइज थिएटर में जाकर के पिक्चर के प्रसारण को रोका। वहां पर उपस्थित माताओं बहनों ने श्री राम सेना का समर्थन करते हुए आदिपुरुष फिल्म का विरोध जय श्री राम भारत माता की जय के साथ किया एवं पिक्चर को बीच में ही छोड़कर श्री राम सेना के साथ बाहर निकल पड़े। श्री दिनेश सिंह ने कहा कि जहां एक तरफ अयोध्या में सूर्य कुंड पर प्रभु श्री राम के लेजर शो द्वारा अनवरत कथा का प्रसारण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक एवं सभ्यता से अलग परिधानों में निर्मित फिल्म का प्रसारण अयोध्या में किया जा रहा है, जो कि सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, जिसको देखकर युवा भ्रमित होंगे और सनातन परंपराओं से लोगों का विश्वास विमुख होगा और आस्था एक कहानी के रूप में रह जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि आदिपुरुष फिल्म को उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द बैन किया जाए, जिससे हमारी संस्कृति बची रहे। श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता उर्फ योगी ने अयोध्या की समस्त जनता से निवेदन किया कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें, जिससे प्रभु श्री राम की संस्कृति सुरक्षित रह सके। श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विशाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में इस तरह की फिल्मों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष श्री उत्तम सिंह ने शासन से मांग की कि अयोध्या के सभी थिएटरों में रामायण कथा का प्रसारण प्रतिदिन एक शो में अवश्य किया जाए। इसका पोस्टर फाड़ते हुए आज पुरुष पिक्चर का विरोध हो रहा है। आज आपने अयोध्या फैजाबाद में पैराडाइज में आप पिक्चर बंद करवा दिया, इसके आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सनातन धर्म हमारा जो है, ये जो डी कंपनी है, मैं सबसे पहले इसको डी कंपनी को शामिल करना चाहूँगा। ये शाहरुख खान, सलमान खान, जो भी क्या नाम है, ये लोग हैं, ये लोग क्या नाम है, सनातन धर्म से ही ये एक ऐसा छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, कि उसको पात्र ही ये लोग उल्टा दिखा रहे हैं। जैसे माता सीता का पात्र इन्होंने दिखाया कि नेपाल के नहीं है। मैं नेपाल वासियों को आभारियों की वहाँ के एक पार्षद के बात को वहाँ के प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए हिंदी फिल्म को ही नेपाल में बैन कर दिया। और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग अयोध्या से हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी से हैं, ऐसी फिल्म जिसमें क्या नाम है कि रामायण का जो पहले जो पिक्चरें आती थी, रामायण का एक बहुत ही अच्छा पात्र दिखाया गया, माता सीता का एक बहुत अच्छा चरित्र चित्रण दिखाया गया, वो उसके जस्ट क्या नाम है, इस कलयुग का जो इन्होंने पिक्चर बनाई है, ओम रावत नाम है, इन्होंने क्या नाम ऐसी गलत फिल्म बनाई, हमारी संस्कृति के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, जिसको क्या नाम है कि हम अयोध्यावासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयोध्या में आदि पुरुष नहीं चलेगी, किसी भी कीमत में नहीं चलेगी। ओम रावत जी को खुली चुनौती मर्यादा अयोध्या से दे रहा हूँ कि हम लोग बॉम्बे आ रहे हैं, आप अपने घर की बहू बेटियों को इस पिक्चर में लाइए, हम लोग नंगा नाच आपकी बेटी को कराएंगे, और इस तरह की अगर दोबारा आपने पिक्चर बनाई तो आपकी जिस तरह से आपने माता सीता का चित्रण दिखाया है बहुत ही अशोभनीय है, और जो इस भाषा का आपने उपयोग किया है वो बहुत ही गलत भाषा का आपने इस्तेमाल किया है, इसका हमें विरोध है। महंत राजू दास जी ने जो भी कहा है ये साधु संतों का विचार है, हम लोग युवा हैं, अयोध्या के युवा इस पिक्चर को, आदि पुरुष को किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे। संत समाज ठीक है, अगर क्या नाम है कि राजू दास जी ने उसका आह्वान किया है तो हम लोग इस पिक्चर को एक बार पहले सेंसर बोर्ड इसको पहले अनुमति दे, पुनः अनुमति दे, तभी ये पिक्चर यहाँ पर चलेगी। और अगर हमारी संस्कृति, जैसे रावण का जो भेष दिखाया गया, एक क्या नाम है कि उसकी दाढ़ी दिखाई गई, एक मुस्लिम भेष में दिखाया गया, क्यों आप दद्दा सर इस तरह से दिखा रहे हैं, आप हमारी संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहाँ से हम बर्दाश्त करेंगे? ये हम जब इसका ट्रेलर भी तो नहीं, जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था उस समय ये मैं हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन ये था, लेकिन इस तरह जैसे जो उसके लेखक थे उन्होंने उसी समय स्पष्ट किया था कि हम लोग उसको क्या नाम है कि इसमें आप समझ सकते हो कि आदिपुरुष के नाम पर जिस प्रकार से वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जो राम को नहीं मानने वाले, कभी जो रामायण को जलाने वाले, रामचरितमानस पर प्रतिबंध करने की बात करने वाले, आज उन्होंने क्या कहा, ट्वीट किया कि कहाँ चले गए राजू दास जो आतंकवादी हैं, अभी तक सरतन से जुदा करने की बात आज तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से
जिस प्रकार से पहले पिक्चर बना करते थे, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को कैसे ढूंढा जाता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे। आप समझ सकते हो कि आप देखो कि माँ काली के मुख में सिगरेट दे देना, ऐसे ऐसे पिक्चर आप समझ सकते हो। लेकिन आज वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, समाज को बांटने वाले गैंग जिस प्रकार से एक्टिव होकर आदि पुरुष को विरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि ये पिक्चर एक मूवी है, आप देखो कुछ सेंटेंस उसमें है जिस चीज को लेकर आप देखो मनोज मुस्तने जी ने कहा कि हाँ इसको हम सुधार कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, वो कब माफी मांगेंगे जो रामायण जलाने की बात करते थे, जो राम को काल्पनिक कहने की बात करते थे, जो साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ देते थे, हवस का पुजारी पिक्चर जैसे, आप बताओ कि ये अपराध का देवता जैसे पिक्चर बनाना, तो ये सब पे कोई सवाल खड़े नहीं करते। आदि पुरुष देखना चाहिए लोगों को, और उसमें मुझको लगता है कहीं से भी इस प्रकार की बातें नहीं है। कुछ सेंटेंस की बात है, वो मनोज मुंशी जी ने कहा कि उसका हम सुधार करेंगे। इस समय में पूरे देश में जिस प्रकार से आदि पुरुष के नाम पर वामपंथी, कट्टरपंथी, जो कभी रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करते थे, जो पिक्चरों में ये हवस का पुजारी, इस प्रकार के देवता, इस प्रकार से ऐसे ऐसे पिक्चर, माँ काली के मुख में सिगरेट पकड़ा देना, जैसे भगवान शंकर को लैट्रिन में ढूंढना, भगवान को गली गली में ढूंढना, ऐसे करके पिक्चर बनाते थे, तब मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग तो कभी नहीं बोलते थे। लेकिन आदि पुरुष में जिस प्रकार से एक पिक्चर है, वो रामचरितमानस रामायण सीरियल नहीं है, पिक्चर एक मूवी बनाया है। लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिस शब्द को लेकर कुछ आपत्तियां हैं, मनोज मुंशी जी ने कहा कि मैं इसको सुधार कर लेता हूं। लेकिन जिस प्रकार से कट्टरपंथी वामपंथी गैंग एक्टिव हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, तब मुंह आपका सिल जाता है, तब तो आप नहीं बोल पाते हो। क्यों नहीं बोलते, तो एक साजिश है, और इस साजिश से आप सतर्क होइए, और आदि पुरुष मूवी देखिए, मूवी के तरीके से देखिए। और जिस प्रकार से इसमें मुझको लगता है कि मैंने भी देखा है, कहीं पर भी भगवान राम का अपमान नहीं, रामायण के पात्र का अपमान नहीं, लेकिन कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों में एक भाव है कि ये शब्द गलत है, तो शब्द ठीक हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से विरोध करना ठीक नहीं है।